दोस्तों फिर से एक नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों अगर आप एप्पल आईडी क्रिएट करने के बाद आपको सामने आईट्यून इनेबल होने के कारण इस तरह का आपको प्रॉब्लम देखने को मिलता होगा। अगर आप यहाँ पे गेट पे क्लिक करते हो इंस्टॉल करने के लिए, तो आपके सामने यहाँ पे आ जाता है डबल क्लिक टू इंस्टॉल, और नीचे के साइड में आप देख सकते हो यहाँ पे नीचे के साइड में भी आपको एक ऑप्शन देखने को मिलता होगा, जैसे कि आप यहाँ पे देखो कंफर्म विथ द साइड बटन। तो आपका डिस्प्ले पर इसी तरह का एक प्रॉब्लम दिखने को मिलेगा। तो आपको किस तरह से सही करना है, किसे इनेबल करना है, किसे डिसेबल करना है, मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो चलो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर लेकर चलता हूँ सेटिंग पे। तो आपको सेटिंग ओपन करना है। सेटिंग ओपन करने के बाद आपको नीचे आना है, और नीचे यहाँ पे देख सकते हो फेस आईडी एंड पासपोर्ट, उस पर क्लिक कर लेना है। सो क्लिक करने के बाद आप अपना स्क्रीन लॉक डाल देना है यहाँ पे, पासपोर्ट जो लगाए हुए। उसके बाद आपको यहाँ पे सेकेंड नंबर में आपको एक ऑप्शन देखने को मिल रहा होगा आईट्यून एप्स स्टोर, इसको आपको ऑफ कर देना है, ठीक है। इसके बाद ऑफ करने के बाद आपको बैक चले आना है, और बैक आने के बाद आप जाके डाउनलोड कर सकते। तो अब इंस्टॉल करके देख लेते हैं। जैसे कि मैं गेट पे अब क्लिक करता हूँ, और क्लिक करने के बाद मैं यहाँ पे वेट कर लेता हूँ। सो वेट करने के बाद यहाँ पे मेरा डाटा स्लो चल रहा है, इसके कारण आप यहाँ पे देख सकते हो नीचे में इंस्टॉल के ऑप्शन आ चुका है, और मैं इंस्टॉल पे क्लिक किया हूँ और यहाँ पे मेरा जो प्रॉब्लम था वो सॉल्यूशन हो चुका है सॉल्व। तो यहीं पे वीडियो को करते हैं समाप्त। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें।